विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में सीएम नाथ सिंह सैनी। कुरुक्षेत्र में बीजेपी पदाधिकारियों की यह बैठक, सीएम नाथ सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंथन हो रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में सीएम नाथ सिंह सैनी। कुरुक्षेत्र में बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ ये बैठक, नाथ सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंथन। विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में नजर आ रही है बीजेपी। और देखिए, अभी फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है कि कुरुक्षेत्र में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक, सीएम नाथ सिंह सैनी की अध्यक्षता में इस बैठक में मंथन हो रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम नाथ सिंह सैनी काफी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और आज जो दिल्ली में भी एक अहम बैठक है, नाथ सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंथन हो रहा, बड़ी जानकारी दे रहे हैं। कुरुक्षेत्र में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक। कुरुक्षेत्र से मेरे सहयोगी गगन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। गगन, अभी फिलहाल क्या जानकारी सामने आ रही है जो बैठक चल रही है? साधना, बताना चाहूंगा कि एक निजी पैलेस में जो अभी जो बैठक चल रही है, जिसमें मुख्य तौर पर मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी जो है शिरकत कर रहे हैं, तमाम जो भाजपा के पदाधिकारी हैं उनके साथ जो है मुख्यमंत्री मीटिंग करी है और उसके बाद जो है क्षेत्र की सैनी धर्मशाला में जो है कार्यकर्ताओं के साथ जो है बैठक करते जो है नजर आएंगे मुख्यमंत्री। तमाम जो कार्यकर्ता है, देखिए लोकसभा के चुनाव के बाद जो है मुख्यमंत्री क्षेत्र में जो है कार्यकर्ताओं के साथ अपनी बैठक कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले कुछ समय के बाद जो विधानसभा के चुनाव भी होने, तो उनको लेकर जो तैयारियों में जो है लग चुकी है भाजपा जी। बिल्कुल, देखिए गगन आवाज आ रही है? जी बिल्कुल साधना जी, बिल्कुल। गगन, देखिए बैठक चल रही है, इसमें कौन कौन मौजूद है? बिल्कुल, देखिए साधना, बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर जो है शिरकत कर रहे हैं। राज्य मंत्री सुभाष सुधा यहाँ पर मौजूद है, पूर्व मंत्री संदीप सिंह मौजूद है, पूर्व मंत्री जो शाहबाद से जो मंत्री थे वो भी, कृष्ण बेदी जी भी वो यहाँ पर मौजूद है। तमाम जो बड़े नेता हैं जो कुरुक्षेत्र के जो पदाधिकारी हैं भाजपा के, वो यहाँ पर जो है मीटिंग में जो है पहुंच रहे हैं और लगातार जो है बैठक चल रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जो है उनके कार्यकर्ता भी बेताबी से जो है बैठे हैं। और अब उसके बाद जो है सैनी धर्मशाला में जिस तरह से प्रोग्राम किया गया, कार्यकर्ताओं के साथ जो है बैठक करते दिखाई देंगे मुख्यमंत्री जी। चले, बहुत शुक्रिया नजर बनाए रखने के लिए, जानकारी आपसे लेते रहेंगे।